तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो युवा कबड्डी सीरीज खेली जा रही है, इसका भाई जो मॉनसून एडिशन का आज के दिन का तीसरा और आखिरी मैच और टूर्नामेंट का 82वां मैच जो कि खेला जाएगा अरावली एरोज वर्सेज पेरियार पैंथर्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट आपको देख लेना और भाई वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, अदरवाइज भाई आपको इस वीडियो में मतलब इस मैच में लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे और भाई जैसे बताऊंगा वैसे अगर आप टीम लगाओगे ना, तो भाई ये विनिंग आप लोगों की भी होगी जैसी भाई हमारी पहले मैच में हुई है। एक तरफा यहां पर आप पॉइंट्स का डिफरेंस देखो भाई, पॉइंट्स का डिफरेंस आपको सारी चीजें बयां कर देगा। यहां पर 50+ पॉइंट से विनिंग हुई है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आ जाओ, यहां पर भाई 100+ पॉइंट की से विनिंग हुई है हमारी। तो आप देख सकते हो मतलब कितने जैकपॉट मैचेज आपका भाई आपको दे रहा है। इससे पहले की अगर बात करोगे ना, तो भाई रात को क्रिकेट में आपके भाई ने गजब कर रखा है। यहाँ पर आप देखिए एक सिंगल कॉन्टेस्ट हमने नहीं हारा, लगातार एक से बढ़कर एक मैच आपको दिए भाई। देखिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप रिजल्ट देखिए, मेरा रिजल्ट ही भाई बोल देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो भाई, मतलब आप डिफरेंस देखो यार, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक डिफरेंस देखो। और अभी जो केसीए का चल रहा है मैच क्रिकेट का, वो भी बेहतरीन जा रहा है अभी तक, अल्ट्रा क्लीन स्वीप जा रहा है, ठीक है। उसके भी रिजल्ट मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इस मैच की भी फाइनल टीम आपको भाई टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। अब चलिए भाई बढ़ते हैं यहां पर मैच की तरफ, बात करेंगे दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन की। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं भाई टाइमिंग, मैच की टाइमिंग क्या रहेगी। भाई ये मैच स्टार्ट होगा 2 बजे दोपहर को, ठीक है, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। अभी भाई 11 बजे है, तो भाई लगभग 3 घंटे बाद मैच स्टार्ट होने वाला है। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग सेवन की। तो टीम की अगर दोनों की बात करें ना, तो दोनों भाई टक्कर की टीम है, पेरियार पैंथर्स और अरावली एरोज, किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि क्लियर फेवरेट रहेंगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम पहले अरावली एरोज की देख लेते हैं स्टार्टिंग सेवन क्या रहेगी। और देखिए लास्ट के मैच में भाई मैंने इसीलिए बोला था आपको, लास्ट मैच में यहाँ पर लोकेश घोसलिया भाई सब्स्टिट्यूट के तौर पर बैठे थे भाई, बार और बाहर ही बैठे रह गए, एक सिंगल टाइम मतलब खेलने भी नहीं आए, अंदर आके भी नहीं देखा भाई बंदे ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। अब यहाँ पर देखिए बंदे ने मतलब अंदर आया भी नहीं और तब भी 15% सलेक्शन, और भाई काफ़ी सारे मेरे ओपोनेंट इसको स्मॉल लीग में लेके आए थे, और मेरे भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने, आप लोगों में से शायद उनमें से कोई वीडियो भी देख रहा हो, आप लोगों ने पूछा था कि भाई क्या हम इसे स्मॉल लीग में ले। भाई देखिए कबड्डी का रूल है, अगर कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर है तो चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर आपको 100% या तो पता है बिल्कुल 100% कि भाई ये स्टार्टिंग के कुछ मिनट नहीं खेलेगा, उसके बाद 100% आएगा और खेलेगा, तो ही आप उसको लो, अदरवाइज मत लो, रिस्क के ऊपर मत लो, क्योंकि पूरा गेम खराब कर देता है एक प्लेयर। इससे ज़्यादा खराब तो तब नहीं होगा जब यह आपके ओपोनेंट इसको लेके आए होंगे और यह आके पॉइंट दे जाएगा, तो ये अगर ये नहीं आया ना तो भाई ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर, अगर इस मैच में स्टार्टिंग सेवन में रहेगा जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो भाई आपके लिए मस्ट पिक रहेगा। इसके अलावा भाई अंकित जाट लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है 20-20 में, हालांकि पिछले काफ़ी मैच ये भी नहीं खेला है, लेकिन जब भी खेलता है अपना काम बखूबी करके जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें भाई सी कुमार, लास्ट मैच में भाई कुछ खास नहीं कर पाया, सिर्फ 40 ही पॉइंट दे, लेकिन लास्ट मैच में जिसने खास किया वो था भाई करतार गुज्जर, 16% सिलेक्शन के साथ आया बंदा और एक तरफा यहाँ पर भाई परफॉर्मेंस देकर चला गया। आप देख सकते हो कितनी खतरनाक परफॉर्मेंस दी बंदे ने, 112 पॉइंट यहाँ पर अकेले बंदे ने दे दिए। अब अगर भाई यहाँ पर बात करें कौन खेलेगा इस मैच में, तो भाई देखिए सी कुमार, करतार और घोसलिया, ये तीनों के चांसेस है, तीन यहाँ पर डिफेंडर खेलते नजर आएंगे। यहाँ से अगर बात करें तो राम कुमार यहाँ पर आपको खेलते नजर आएंगे, इसके अलावा आर बाकर और आर अली शायद इस मैच में ना खेलते नजर आए। बात करें रेडिंग की तो यहाँ पर भाई अर्जुन आपको खेलता नजर आएगा, इसके अलावा भाई यहाँ पर वी चौधरी, ये दोनों तो आपको खेलते नजर आएंगे, इसके साथ भाई एस जंडू भी आपको खेलता नजर आ सकता है। तो ये तीन प्लेयर यहां से रेडिंग डिपार्टमेंट में खेलते नजर आएंगे। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन रहेगा, यहां से देखिए सी कुमार एल घोसलिया दोनों मस्ट पिक रहेंगे, करतार गुज्जर को अगेन मैं बोलूंगा क्रेडिट मैनेज करने के लिए आपको टीम में लेना है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज भाई जीएल में ट्राई कीजिएगा। अगर आपके क्रेडिट में प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्रेडिट इशू नहीं है, तो आप इसे जीएल में ट्राई कीजिएगा। यहां पर आ जाओ राम कुमार भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा,
बट सामने वाली टीम में भाई बेहतरीन ऑलराउंडर है, तो देखना पड़ेगा ट्राई कर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो भाई यहाँ से विशाल चौधरी को आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर भाई अर्जुन खेलता स्टार्टिंग सेवन में होता तो भाई हम ट्राई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब अगर भाई बात करें यहाँ पर पेरियार पैंथर्स की, तो यहाँ पर आप देखिए भाई ऑलराउंडर सेक्शन की पहले भाई डिफेंस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रवि खत्री आपको दिखेगा, बहुत ही एवरेज प्लेयर, और भाई जीएल मिनी जीएल में ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्मॉलिंग में ड्रॉप कीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें एमराठी की, एमराठी ने भी लास्ट मैच में बिल्कुल निराश किया, और भाई मैं एमराठी के साथ ही जाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि भाई देखिए कम से कम क्रेडिट तो मैनेज करके देगा यार बंदा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं लूँगा तो एमराठी को लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप अगर यहाँ से भाई बात करें, दो ही भाई यहाँ से डिफेंडर खेलते नजर आएंगे, इसके अलावा यहाँ से भाई इनके तीन चार प्लेयर खेलते नजर आएंगे। एक तो भाई यहाँ से देखिए लास्ट मैच में जो विक्की माला है, इन्होंने भाई कुछ खास नहीं किया। इसके अलावा भाई यहाँ पर सब्सटीट्यूट के तौर पर आया था अलंकी। वही अगर बात करें भाई यहाँ पर गौरव छिल्लर बेहतरीन परफॉर्मेंस, इसके अलावा भाई यहाँ पर चेतन साहू ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। आ जाते भाई यहाँ पर रेडिंग में तो अक्षित ढुल लास्ट मैच बुरा फ्लोप, वहीं अगर बात करें ये पंडित भाई बुरा फ्लोप। इसके अलावा भाई अगर बात करें गुलिया की, तो इन्होंने लास्ट मैच खेला नहीं, तो यहाँ से भाई देखिए जो पॉइंट निकाले थे वो यहाँ से भाई या तो निकाले थे कहाँ पे गया भाई बंदा, या तो निकाले थे कि यहाँ पर सी साहू ने, इसके अलावा भाई जो पॉइंट निकाले थे वो निकाले थे भाई जी छिल्लर ने, ठीक है। इनके अलावा भाई किसी ने कुछ खास पॉइंट यहाँ पर निकाले नहीं। अब अगर बात करें भाई टीम की, तो टीम में अभी आपको बना के दिखा देता हूँ। एल घोसले हमारी टीम में रहेंगे अभी के लिए, सी कुमार को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, और इसके अलावा भाई यहाँ पर करतार गुर्जर को आप अपनी टीम में रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, क्योंकि लास्ट मैच में भाई पॉइंट भी लेके आए तो फॉर्म भी साथ है, इसके अलावा भाई क्रेडिट भी मैनेज करके देगा। अब यहाँ पर आ जाते भाई यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में हम सी साहू को अपनी टीम में रखेंगे, इसके अलावा अगर बात करें तो जी छिल्लर को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इनकी टीम से भाई दो ही मेन प्लेयर है ये, ठीक है। एक यहां पर भाई अक्षित डुल हो जाएगा, इसके अलावा कोई मेन प्लेयर नहीं है इनके पास। तो अब आपको करना क्या है, आप या तो यहां से विशाल चौधरी को अपनी टीम में रख लीजिए, ठीक है, जो लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देखा है। अगर इसकी जगह पर भाई या तो आप चाहो तो अगर अर्जुन सिंह चौधरी खेलता है तो आपकी टीम में भाई मस्टरपिक हो जाएगा, या फिर भाई अजय पंडित को भी ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं विशाल को अपनी टीम में रख रहा हूँ। सीवीसी की बात कर लेते हैं, तो जो कैप्टनसी है ना वो भाई अभी के लिए मेरी जाएगी यहाँ पर श्री साहू के साथ, क्योंकि रेडिंग डिफेंस दोनों करके देगा। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर वीसी, तो अभी के लिए विशाल चौधरी को बना रहा हूँ। बाकी अल घोसला स्टार्टिंग सेवन में होता है तो इसको बना देंगे, या फिर भाई किसी और प्लेयर को बनाना होगा तो मैं आपको मतलब जो भी अपडेट हुई, जो भी फाइनल टीम में चेंजेस कुछ भी करने हुए, वो सारी चीज़ें आप वो सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। भाई पहले रिजल्ट देखिएगा, पहले रिजल्ट देखने के बाद ही आप बाद में ज्वाइन कीजिएगा। तब तक वीडियो को अगर ध्यान से देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि अभी तो टाइम है भाई, जब मैच स्टार्ट हो जाएगा ना उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। तो बार बार बोल रहा हूँ भाई, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। इसके अलावा अगर और सीवीसी की बात करें तो भाई अक्षित डुल और गौरव छिल्लर, इन दोनों में से किसी को आप वीसी दे सकते हो। बाकी देखिए जो मेरा सीवीसी रहेगा वो यहाँ से एक दो और कहाँ गया भाई, इन तीनों में से कोई रहेगा, बाकी अगर आप चाहो तो इन्हें भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए अगर भाई ये मेरी टीम ऑलमोस्ट फाइनल, अगर इस टीम में कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।